सीक्रेट टिप दे रही हूँ, क्योंकि इससे ही हमारे फेस पर कोई भी इफेक्ट होगा वो बहुत अच्छे से लगेगा। सब चीज़ें बता रही हूँ क्या क्या होने वाला है इसके साथ साथ। हमको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब इस पूरे स्किन केयर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। वेलकम टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल भी देखने को मिलते हैं, हेयर स्टाइल की वीडियोज़ भी देखने मिलती हैं और स्किन केयर की भी आपसे देखने मिलेगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ क्लियर बैलेंस ब्रांड का, और मेरे फेस पर बहुत ही अच्छा इसने इफेक्ट दिया है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर किया जाए और आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरे जैसे स्किन सिर्फ मेरी ही नहीं है, बहुत जनों की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के साथ हम जूझते हैं, क्योंकि हर टाइम मेकअप नहीं कर पाते और उस वजह से क्या रहता है, हमारे फेस पर जो धब्बे हैं, पिम्पल्स हैं, उनकी वजह से हम थोड़ा लो फील करते हैं। मैं भी करती थी तो फिर मैंने मेरा एक अच्छा सा स्किन केयर ढूंढा और वो स्किन केयर फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और उस स्किन केयर से मेरी 80% तक जो प्रॉब्लम थी वो क्योर हो गई है, क्योंकि इससे पहले की जो मेरे फेस की हालत थी वो मैं अब आपको दिखाऊँगी। ये 14 अप्रैल का मेरा फ़ोटो है, जिसके अंदर आप देख सकते हो मेरे फेस की हालत कुछ ऐसी है। और इसके बाद ये वाला फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़ोटो है 24 अप्रैल का। ये 24 अप्रैल का फ़ोटो है मेरा, जिसके अंदर भी मेरा फेस काफ़ी हद तक ख़राब है। और आप ये फ़ोटो भी देख सकते हो। ये फ़ोटो है जहाँ मैं घूमने के लिए गई थी, वहाँ की फ़ोटो है। और घूमने जाती हूँ तो मुझे क्या मेकअप करना, मेकअप अवॉइड करना ही पसंद है, क्योंकि हर टाइम इतना मेकअप मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ। अब आप देख सकते हो मेकअप कैरी नहीं करते हो तो फेस की हालत कैसी दिखती है, फ़ोटोज़ भी कैसे आते हैं, हर एडिटिंग भी कितनी हो सकती है। इसके बाद मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाती हूँ। इसमें तो मेरा चेहरा बुरी तरीके से ख़राब है। 3 मंथ्स हुए हैं मैं ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और आप मेरे फेस पर रिज़ल्ट देख सकते हो। मैं लाइव रिजल्ट्स के साथ आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो आज मैं उसी की पूरी जर्नी आपको मैंने दिखा दी है, और वो मैंने कैसे कैसे यूज़ किया वो भी मैं अब आपको बताने वाली हूँ। पहले आ जाता है हमारा फेस क्लेंजिंग। फेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस वॉश मैंने बहुत अच्छा एक माइल्ड सा क्लियर बैलेंस का यूज़ किया। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे सैफ्रन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, सबके अंदर फ्रेग्रेंस है सैफ्रन की, और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ इस क्लेंजर को मैंने कैसे यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में यूज़ किया है, आप देख सकते हो, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ इसको कैसे यूज़ करना है वो दिखाती हूँ मैं। इसको हमें पूरे ड्राई फेस पर अच्छे से हर जगह पर अप्लाई करना है। और साथ ही साथ अच्छे से मसाज करना है। ये क्लेंजर जब तक पूरा हमारे पोर्स के अंदर फिल नहीं हो जाए, पूरे फेस में अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो जाए, तब तक हमें मसाज करती रहनी है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे फेस पर धीरे धीरे जो भी झाग हैं वो सारे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जैसे जैसे मैं मसाज कर रही हूँ। बहुत जेंटली मसाज करते हुए हमें फेस वॉश करना है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतना टाइम कौन देता है फेस वॉश में, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए,
खुद से प्यार करिए और खुद को समय दीजिए, क्योंकि चेहरा अच्छा है तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और कॉन्फिडेंस होता है तो हम सारे काम कर सकते हैं। बातों बातों में देख लो, फेस पे फेस वॉश है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है, और थोड़ा सा पानी लेते हुए मसाज कीजिए। बिल्कुल मैं बता रही हूँ उसी तरीके से मसाज कीजिए। मेरे फेस पर आपको मैंने रिजल्ट बता ही दिया है कितने हद तक मेरा फेस सही हो चुका है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मिंग नहीं होगी, इसके अंदर एकदम लाइट सी फॉर्मिंग होगी और एकदम स्मूथ सा, ये जो फेस वॉश का टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ सा है, और फेस वॉश करने के बाद तो क्या मस्त स्किन हो जाती है। अच्छे से मैंने मसाज कर दिया है मेरे फेस पर, अब इसको मैं, आप फेस वॉश तो जाके बेसिंक में कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ इसलिए मैं इसको नॉर्मली वाइप से या फिर किसी स्पॉन्ज से क्लीन कर रही हूँ। जितना भी हमारे पोर्स के अंदर से डर्ट है वो पूरा ये फेस वॉश निकाल देगा, हमारे पोर्स को एकदम क्लीन कर देगा। आप देख सकते हो फेस वॉश करने के बाद मेरे फेस पर कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब इसको टॉवल ड्राई कर रही हूँ मैं, ओनली फॉर डैम्प करना है, फेस पर रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना है। थोड़ा सा जो फेस हमारा वेट होता है ना, उसी उसके ऊपर अगर हम हमारा स्किन केयर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये एकदम मैं आपको क्या सीक्रेट टिप दे रही हूँ, क्योंकि इससे ही हमारे फेस पर कोई भी इफेक्ट होगा वो बहुत अच्छे से लगेगा, क्योंकि हमारा फेस है वो अच्छा डैम्प ड्राई है। डैम्प ड्राई यानी हल्का सा गीला, हल्का सा। अब आ जाती है टोनर की बारी, तो टोनर मैं यहाँ पर क्लियर बैलेंस का यूज़ कर रही हूँ। इसकी भी पैकेजिंग बिल्कुल सेम है, फेस वॉश के जैसी ही पैकेजिंग है, और आप बॉटल्स भी देख सकते हो बिल्कुल सेम है। टोनर का काम होता है जो हमने फेस वॉश करके हमारे जो पोर्स हैं उसको क्लीन किया है, उसको अच्छे से अच्छे पानी से यानी फिल करना। तो ये जो टोनर है हमारे पोर्स को अच्छे वाटर से भर के रखेगा, डर्ट अंदर नहीं जाने देगा, जिससे हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लैक हेड्स की, वाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे वाइट हेड्स की, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगभग 3 से 4 डेज के अंदर अंदर स्क्रबिंग की ज़रूरत रहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स दिखते थे नोज़ पर, चिन पर। वो चीज़ मुझे अभी कम हो रही है, बहुत लेवल तक कम हो रही है, क्योंकि ये वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को फेस पर नहीं आने देता है, स्किन को एकदम क्लीन रखता है। अब टोनर कैसे अप्लाई करना है वो बताती हूँ। इसका टोनर जो है वो स्प्रे वाला नहीं है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। स्प्रे वाले टोनर में चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, कितना हमारा प्रोडक्ट है वो वेस्ट होता है, ये वेस्ट नहीं होने देगा। इसको हमें ऐसे हैंड पे 5 से 6 बूंदे लेनी है, और दोनों हाथों को ऐसे मिक्स करते हुए चेहरे पे ऐसे अप्लाई करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे अप्लाई करना है। विद इन ये 5 से 6 सेकंड में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इस तरीके से बस हाथों को हमारे फेस पर डैप करते रहना है। टोनर लगाते में आपको इतना रिफ्रेशिंग लगेगा, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा फेस पर। साथ में आपको सब चीज़ें बता रही हूँ क्या क्या होने वाला है इसके साथ साथ में। फिर आ जाती है हमारी डार्क स्पॉट रिमूवर की बारी, क्योंकि जो मेरे फेस पर डार्क स्पॉट्स हुए हैं इसको क्लीन करने का काम इसी ने किया है। क्योंकि पहले मैंने मेरी शुरुआत फेस वॉश, टोनर और डार्क स्पॉट रिमूवर से ही करी थी, क्योंकि मुझे डार्क स्पॉट रिमूवर ने इतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिया। इसके बाद मैंने डे क्रीम और नाइट क्रीम दोनों ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हो डार्क स्पॉट रिमूवर, और साथ ही साथ इसकी पैकेजिंग भी देख सकते हो कितनी अच्छी पैकेजिंग है, और वैसा ही इसका काम भी है। मैं इसको भी सिर्फ एक पंप लेना है हमारे फेस पर, और ये भी बिल्कुल गोल्डन कलर का ही दिखने वाला है। और ये जहाँ पर हमको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पर लगाना है। ऑल ओवर आप पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हो, हमारी अनइवन स्किन को एकदम इवन टोन कर देगा ये। और ये जो सीरीज़ है वो पूरी अनइवन स्किन के लिए ही है, कहीं पर सफ़ेद कहीं पर काला हो जाता है ना फेस पर, तो पूरे फेस को इवन टोन कर देता है। टोनर अच्छा ड्राई हुआ, फिर इसके ऊपर हमने डार्क स्पॉट रिमूवर लगा दिया, और लाइटली जब ये ड्राई हो जाए इसके ऊपर लगा दो डे क्रीम। 4 स्टेप हमको डे में फॉलो कर दी। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको डे स्किन केयर बता रही हूँ, नाइट स्किन केयर बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं कह रही हूँ ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक हम आधे ही चल रहे हैं वीडियो में, मेन तो हीरो आना बाकी है। तो हमारे स्किन केयर का मेन हीरो है डे क्रीम।
सबकी पैकेजिंग तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी पैकिंग है गोल्डन के साथ, और उसी के साथ साथ इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है, पूरा अंदर सैफ्रन की खुशबू आती है। क्रीम कुछ इस तरीके की दिखेगी, आप देख लीजिए, लाइट येलो कलर है, एकदम येलो और पीच के बीच का जो कलर होता है वो कलर है क्रीम का, और बहुत ही अच्छी क्रीम है। इतनी तो मैंने खाली भी कर दी है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले से ही यूज़ करना स्टार्ट करा है और इसका इफ़ेक्ट मुझे लाजवाब लगा है। तो इतने से अमाउंट में मैं मेरे फेस पर ये ले रही हूँ। स्किन केयर हम अगर करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि इफ़ेक्ट अच्छा आएगा, यूज़ करने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए तब इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। तो वही तरीका मैं आज आपको बता, प्रोडक्ट एकदम प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। अब इसको मैं पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूँगी। हाथों में रगड़ कर कभी भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की मेन गुडनेस है वो तो हाथों को ही अपने रगड़ रगड़ के ख़त्म कर दी। अब आ जाती है हमारी हथेलियों की बारी, उससे हमें अच्छे से मसाज करनी है। अच्छे से प्रॉपरली मसाज कीजिए। डे क्रीम हमारी लग चुकी है, पर बस इस पूरे स्किन केयर को मैंने आपको करके बता दिया है। अब इस पूरे स्किन केयर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, अगर पर्टिकुलर यही स्किन केयर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ये स्किन केयर आपके घर बैठे भी मिल जाएगा, नहीं तो आप शॉप करो पर आकर विजिट कीजिए, ये स्किन केयर अवेलेबल है। अब मैं आपको कुछ कुछ प्रिकॉशंस बता देती हूँ। कोई भी स्किन केयर यूज़ कर रहे हो तो कुछ ही प्रिकॉशंस यूज़ करोगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। जैसे कि हम जो स्किन केयर में क्लेंज़र यूज़ कर रहे हैं वो माइल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श क्लेंज़र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्श क्लेंज़र होता है वो हमारी स्किन को ड्राई करता है, और ये क्लेंज़र एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड स्किन फ्रेंडली बोल सकते हो, कि इससे हमारी स्किन बिल्कुल इरिटेट नहीं होती है। सेकंड चीज़, आप फेस वॉश करते हो वो वाटर क्लीन होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नेस का इशू है तो आप ध्यान रखिए कि आप फ़िल्टर वाले वाटर से फेस वॉश कीजिए, और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि हो सकता है पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ के कारण भी हमारा फेस ख़राब हो रहा हो। तीसरी चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, बैक टू बैक बताती रहूँगी इसलिए आप गिनना मत कि गलत बोलिए या फिर सही बोलिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आप आपका जो फेस वॉश करने के लिए जो टॉवल है, फेस वॉश करते हैं उसको क्लीन करने का टॉवल है, वो सेपरेट रखिए, छोटा नैपकिन एक अलग ही रख लीजिए। फेस का और बॉडी का अगर टॉवल एक होगा तो बॉडी पे बहुत सारे जर्म्स लगे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उन जर्म्स और स्वेटिंग की वजह से भी हमारे फेस पर पिंपल्स आ सकते हैं, या फिर स्किन केयर हमारा इफेक्ट नहीं दिखा रहा होगा उस वजह से। तो इसलिए आपका जो फेस वॉश करने का टॉवल है वो सेपरेट रखिए, और स्किन केयर करते समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, वही चीज़ मैंने आपको बताई, और बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। अगर ये सारे आप स्टेप साथ साथ में फॉलो करते हो तो 101% बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाला है। और एक मेन चीज़ ये भी बता देती हूँ, ये स्किन केयर सिर्फ एक्ने वालों के लिए या फिर दाग धब्बे वालों के लिए नहीं है, अन इवन स्किन टोन के लिए भी है। किसी का चेहरा यहाँ पे गोरा है, यहाँ पे काला है, यहाँ पे काला है, यहाँ पे गोरा है, ऐसी अगर किसी की स्किन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ डार्क स्पॉट रिमूवर है, वो रिमूव कर दीजिए। डे क्रीम, नाइट क्रीम और टोनर और क्लेंज़र, ये चारों प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर आप कोई अच्छा स्किन केयर ढूंढ रहे हो, बेस्ट है, यू कैन ट्राई इट। आज की वीडियो में मैंने आपको मेरा स्किन केयर बताया है और इसकी गुडनेस बताई है इस प्रोडक्ट की, और ये प्रोडक्ट मेरे ऊपर कैसे इफ़ेक्ट हुआ वो भी बताया है। अगर वीडियो पूरी नहीं देखी हो और लास्ट में देखी हो तो पूरी वीडियो जाके देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आज की वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती है तो आपको देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, और कहीं ना कहीं हेल्प भी होगी। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। बाय।